मैं यहां आया था, आप लोगों से मुलाकात हुई थी, तब हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे थे। उस कार्यक्रम में बापू की प्रतिमा का अनावरण किया गया था और आज जब ऑडिट डे का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है तो देश अपनी आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हमें देश की अखंडता के नायक सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मिला है। गांधी जी हो, सरदार पटेल हो या फिर बाबा साहब आंबेडकर, राष्ट्र निर्माण में इन सभी का योगदान, सीएजी के लिए, हम सभी के लिए, कोटि कोटि देशवासियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। देश के लिए कैसे बड़े लक्ष्य तय किए जाते हैं, कैसे उन्हें हासिल किया जाता है, कैसे व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाता है, इन महान व्यक्तित्वों की जीवन गाथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। साथियों, एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। सीएजी बनाम सरकार, ये हमारी व्यवस्था की एक सामान्य सोच बन गई थी और कभी कभी तो ये भी हो जाता था कि बाबू लोग ऐसे हैं, ऐसा ही देते हैं। बाबुओं को लगता था सीएजी वाले ऐसे ही हैं कि हर चीज में उनको नुस्खी नजर आता है। हर एक की अपनी अपनी बात थी, लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। सरकार के कामकाज का आकलन करते समय सीएजी के पास आउटसाइडर व्यू पॉइंट का एडवांटेज होता है। आप जो कुछ हमें बताते हैं उससे हम सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट्स करते हैं, उसे हम अपने लिए एक सहयोग के तौर पर देखते हैं। मुझे लंबे अरसे तक सरकारों का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी अपने अधिकारियों से कहता था और आज भी यही कहता हूं, सीएजी में जो डॉक्यूमेंट और डेटा मांगे जाते हैं वो तो आप जरूर दीजिए, अपने काम से जुड़ी दूसरी फाइल्स भी उन्हें दीजिए। इससे हमारे लिए और बेहतर काम करने का स्कोप तैयार होता है, हमारा सेल्फ असेसमेंट का काम आसान हो जाता है। साथियों, सूची